कोरोमंडल एक्सप्रेस कैसे पटरी से उतर गई और उसके बाद 233 लोगों की मौत हो गई। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है रविशंकर, उनका रुख करते हैं। रवि, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, 233 लोगों की मौत हुई है, 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी कई डेड बॉडीज है जो कि बताया जा रहा है कि फंसी हुई है ट्रेन के बीच में, क्या देख पा रहे हैं वहां पे आप? दाओ फ्रेम तो दाओ। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चल रहा है वो आपको दिखाना चाहते हैं। आप सामने देखिए, यहाँ पे जो रेल के अधिकारी है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स लगाए गए हैं, जो कैंप्स गया है। आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है रवि, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि रवि दत्ता बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही व्यापक तौर पर चल रहा है, रेस्क्यू टीमें तो वहां मौजूद है, स्टिफर्स डॉग की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन के जरिए भी आसमान से पूरे जो एक्सीडेंट का एरिया है उसको लोकेट किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं, और इस बीच बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस को भी रश किया गया है ताकि इमीडिएटली तुरंत ही जो भी घायल हैं उनको वहां से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 900 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं अलग अलग जगहों पर, जिनका इलाज चल रहा है। और इस सब के बीच जो दुखद अपडेट है वो ये है कि 233 लोगों ने जान गंवा दी है। जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे कि अभी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी बोगियां हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की जिनको काट कर शवों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद यानी कि ये जब पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा राहत और बचाव का, उसके बाद ही इसके बाद ही स्थिति समझ में आएगी कि आखिर में कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कल से लेकर अब तक ये लगातार नंबर्स बढ़े हैं। इस बीच सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर दी गई हैं। राज्य सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि राजकीय शोक रहेगा इस दुर्घटना को लेकर। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। कनिष्क हमारे साथ इस वक्त हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। कनिष्क, ये बताइए कि अब वहां पर क्या रेल मंत्री आएंगे, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी मिल रही है? कितने बजे पहुंचेंगे घायलों से मिलने के लिए, पूरा उनका जो इलाज चल रहा है उसको देखने के लिए? देखिए, अभी थोड़ा बहुत हलचल इधर हो रहा है, सूचना मिली है जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो आएंगे अस्पताल में जो राहत कार्य में जुड़े हुए हैं, और जितने भी जो घायल है, घायल मरीजों को इधर लाया गया हुआ है, उन लोगों का बात करेंगे, उन लोगों का घर के लोगों से बात करेंगे, क्या घटना हुआ, कि किसकी प्रॉब्लम था, कौन सा सिग्नलिंग प्रॉब्लम था, यशवंतपुर एक्सप्रेस मालगाड़ी और करमंडल एक्सप्रेस तीनों का ये सिग्नलिंग का जो प्रॉब्लम था, ऐसा तीनों क्या प्रॉब्लम हुआ था, वो भी आंखों देखा हाल इधर सा इधर में हॉस्पिटल आके उसको हॉस्पिटल में जो रात जो इलाज चल रहा है घायलों से, उन्होंने से भी डिटेल लेंगे। और अभी तक जो जानकारी है 233 अभी तक लोगों की मौत हो चुकी है पूरी इस घटना में, 900 से ज़्यादा घायल है अभी तक। ओडिशा पुलिस, NDRF, SDRF और भी इलाके के जो गांव वाले हैं वो भी इस राहत कार्य में हाथ लगाए हुए हैं।